हाय एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड। आज के वीडियो में पिक से रिलेटेड जो है सभी जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड, इसमें जो है पिक का जो ब्रीड कौन कौन से हैं और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, इसके बारे में भी पूरा डिटेल मिलेगा। ओके फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं आज जो है पूरे वर्ल्ड में जो है कितने ब्रीड हैं। 60 ब्रीड जो है पिक के हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इंडियन ब्रीड कौन कौन से हैं। तो इंडियन ब्रीड में नंबर एक घुंघरू आता है, ठीक है। और घुंघरू कहाँ का है इसके बारे में भी बताएंगे। घुंघरू हुआ, दूम हुआ, निकोबारी हुआ, नियांग मेघा हुआ, अंगोंडा गोवा हुआ, तेनियो ये हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं घुंघरू है कहाँ का। ये घुंघरू जो है वेस्ट बंगाल का है। कहाँ का है? वेस्ट बंगाल। अब आ जाइए धूम। धूम कहाँ का है? आसाम। निकोबारी, निकोबारी संबंधी है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। नियांग मेघा, ये मेघा से याद रखिए फ्रेंड, मेघालय, ठीक है। अगोंडा गोवा, गोवान, तो ये जो है गोवा से याद रखिए। कहाँ का है? गोवा का। टेनियो वियो, ये जो है कहाँ का है? नागालैंड का। ओके फ्रेंड, ये सभी जो है इंडियन ब्रीड हो गए। इंडियन ब्रीड में फ्रेंड आपको याद रखना है कि इसमें से तीन ऐसे हैं जो न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा है? एक निकोबारी, ठीक है, एक टेनियो वियो और एक दूम, ठीक है। तो दूम, निकोबारी और टेनियो वियो, ये सब जो है न्यूली रजिस्टर्ड है, न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड, ठीक है। आपको फ्रेंड याद रखना है न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड कौन कौन से हैं। तो ये हो गया दूम, निकोबारी, टेनियो वियो। ये कब रजिस्टर्ड हुए थे लास्ट? 2016। मतलब कि अगर डेट भी याद रखना है तो 21 जून 2016। ओके, तो फ्रेंड आपको याद रखना है, ठीक है। इंडियन ब्रीड हो गए। अब आ जाते हैं एग्जॉटिक ब्रीड, ठीक है। एग्जॉटिक ब्रीड में फ्रेंड सबसे पहले जो है बात करेंगे इंग्लैंड ब्रीड का। इंग्लैंड ब्रीड कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद जो है डेनमार्क ब्रीड कौन कौन से हैं, फिर तीसरे नंबर पे जो है यूएसए ब्रीड कौन कौन से हैं, और एक चौथा कौन सा है? रशियन ब्रीड, ठीक है। अब फ्रेंड इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट दिमाग में रखेंगे। LLW मतलब लार्ज वाइट यॉर्कशायर, ठीक है। ये सबसे जो है हैवीएस्ट ब्रीड रहता है। हैवीएस्ट ब्रीड कौन सा है? नाम ही है लार्ज वाइट यॉर्कशायर, ठीक है। हैवीएस्ट ब्रीड इंग्लैंड का। ये दूसरा वाला कौन है? तो मिडिल वाइट यॉर्कशायर, इससे क्या होता है? एक्सीलेंट पॉर्क रहता है, ठीक है। एक्सीलेंट पॉर्क मिलता है इससे, पॉर्क के लिए बेस्ट है, ठीक है। अब फ्रेंड बात करते हैं बर्कशायर। बर्कशायर फ्रेंड एक्चुअली में क्या होता है, पूरी तरह से ब्लैक रहता है, ब्लैक रहता है, लेकिन इसमें 6 जो है वाइट स्पॉट दिखते हैं, ठीक है। वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, मतलब उसके नोज पे हो सकता है, उसके फिट पे हो सकता है। तो इस तरह जो है 6 व्हाइट स्पॉट होते हैं। और फ्रेंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मोर देन 10% से ज़्यादा अगर व्हाइट परसेंटेज हुआ, अगर व्हाइट कलर इसका व्हाइट, ठीक है, 10% से व्हाइट अगर ज़्यादा हुआ तो ये ब्रीड को जो है फेल कर दिया जाता है, मतलब उसको बर्कशायर ब्रीड माना ही नहीं जाता, ठीक है। तो आपको याद रखना है 6 व्हाइट स्पॉट 10, ओके, 10% से ज़्यादा अगर व्हाइट होता है तो ये ब्रीड नहीं माना जाता है। तो ब्लैक और 6 व्हाइट स्पॉट याद रखना, इसको 6 व्हाइट स्पॉट बोल सकते हो या तो मार्क बोल सकते हो, ठीक है। अब अगला बात है टैमवर्थ। टैमवर्थ क्या होता है, किसके लिए फेमस होता है? लीन मीट के लिए होता है, ठीक है। और ये ब्रीड लॉन्ग होता है, इसका लॉन्ग टेल होता है, ठीक है, ये टैमवर्थ हो गया। अब फ्रेंड आते हैं दूसरे ब्रीड की तरफ, कौन सा? डेनमार्क ब्रीड। डेनमार्क ब्रीड क्या होता है? लैंड्रेस, ठीक है। फ्रेंड लैंड्रेस जो रहता है वाइट कलर का रहता है, ठीक है। किस कलर का? वाइट कलर का।
लेकिन कभी कभी इसमें जो है ब्लैक मार्किंग दिखता है, लेकिन कभी कभी उसमें ब्लैक स्पॉट दिखता है, तो उसको नाम देते हैं, ठीक है, उसको नाम क्या देते हैं, फ्रिकल्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड, फ्रिकल्स, ठीक है। आपको याद रखना है लैंड्रेस में जो है वाइट कलर का होता है, सबसे अच्छा देखने में लगता है वाइट कलर, और उसमें जो है बीच बीच में ब्लैक स्पॉट होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिकेट्स, ओके। अब फ्रेंड अगला जो बात करते हैं यूएसए ब्रीड में जो है ड्यूरॉक, ड्यूरॉक जो है ये होता है मीट पर्पज के लिए, मीट पर्पज के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड इसमें चेस्टर वाइट, इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है, ठीक है, सिर्फ नाम याद रखे। कभी कभी पूछा जाता है चेस्टर वाइट ब्रीड जो है किससे रिलेटेड है, कैटल, फेलो, सीप, गोट, पिग, तो आपको याद रखना पड़ेगा चेस्टर वाइट जो है वो पिग ब्रीड है। अब आ जाइए पोलैंड चाइना, पोलैंड चाइना फ्रेंड इसमें एक याद रखना, मदरिंग एबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, मदरिंग एबिलिटी सब में अच्छी रहती है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट रहती है मदरिंग एबिलिटी। मदरिंग एबिलिटी के लिए ब्रीड याद रखेंगे पोलैंड चाइना, ठीक है। और अगला कौन सा ब्रीड है, रसियन, कौन सा होता है, चरमुखा। रसियन का एग्जांपल कौन सा, चरमुखा, सिर्फ नाम याद रखो, ओके फ्रेंड। फ्रेंड कुछ पॉइंट और रह गए हैं पिक के बारे में बताने के लिए, तो जो न्यूली ब्रीड है कौन सा, हैरीफोर्ड। एक्चुअली फ्रेंड जो हैरीफोर्ड होता है इसके सारे करेक्टर जो स्पेसिफिक जो ऑब्जर्वेशन करेक्टर होते हैं वो हैरीफोर्ड एक कैटल से मैच करता है, ठीक है, तो ये हैरीफोर्ड जो है ये पिक का ब्रीड है। अब डेवलप्ड ब्रीड में क्या होता है फ्रेंड, इसमें याद रखना है वैसे भी क्रॉसिंग होता है डिफरेंट का, एक होता है बेल्ड सिविली नंबर 1, 2, 3, मिनीओस्टा, मिनीसोटा नंबर 1, 2, 3, ये जो है डेवलप्ड ब्रीड होते हैं, मतलब छः ब्रीड डेवलप हैं, तो इसमें फ्रेंड लैंड्रेस से और पोलैंड चाइना से क्रॉस करा के बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड बात करते हैं बेकॉन क्या है, लॉर्ड क्या है, ठीक है। अगर जो है इसका मीट क्या कहते हैं, पिक का मीट जो है अगर पॉर्क ज़्यादा, पॉर्क मोर एंड लेस फैट, फैट कम रहता है, तो उसको बोलते हैं बेकॉन, ठीक है, पॉर्क ज़्यादा लेस फैट। लेकिन इसी को लॉर्ड कब बोलेंगे, जब पॉर्क कम रहता है उसमें, पॉर्क कम रहता है लेकिन जो है लॉर्ड, लॉर्ड मतलब फैट, फैट जो है वो ज़्यादा रहता है, तो उसको बोलते हैं लॉर्ड, याद रखिए लॉर्ड किसको बोलते हैं, पॉर्क कम फैट ज़्यादा। अब फ्रेंड अब इसमें बताते हैं पिक के केस में आर्जिनिन और हिस्टिडिन मेंटेनेंस में जो है ज़रूरत नहीं रहती है, नॉन एसेंशियल रहता है, ठीक है, आर्जिनिन और हिस्टिडिन। फ्रेंड बताते हैं फ्लशिंग क्या होता है, फ्लशिंग राशन क्या होता है, ब्रीडिंग कराने से 2 वीक बिफोर, ठीक है, 2 वीक बिफोर एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन देते हैं, ठीक है, तो उसी को वो जो होते हैं फ्लशिंग राशन, ठीक है, ब्रीडिंग कराने से पहले, तो इसमें क्या करते हैं लगभग 500 ग्राम एक्स्ट्रा राशन प्रोवाइड करते हैं, या तो 20-25 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से फ्लशिंग राशन दिया जाता है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, हाउस ऑफ पिक को क्या बोलते हैं फ्रेंड, स्टाई, STY, ठीक है, हाउस ऑफ पिक को क्या बोलते हैं, स्टाई। मोस्ट क्रिटिकल अमीनो एसिड पिक में कौन सा होता है, लाइसिन, याद रखो फ्रेंड लाइसिन जो है मोस्ट क्रिटिकल अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब फ्रेंड ये जो है बहुत ही कॉमन टर्म है लेकिन कभी कभी दिमाग से उतर जाता है तो मैं इसी में कवर कर दे रहा हूँ, एडल्ट मेल को क्या बोलते हैं, बोर, BOAR, बोर, ठीक है, एडल्ट फीमेल को क्या बोलते हैं, सो, यंग मेल को क्या बोलते हैं, बोरलिंग, BORLING, यंग मेल को क्या बोलते हैं, बोरलिंग, गिल्ट, ठीक है, यंग फीमेल को क्या बोलते हैं, गिल्ट, न्यू बार को क्या बोलते हैं, पिगलेट, ग्रुप को क्या बोलते हैं, ड्रोव, DROVE या स्टॉक, पिक के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ड्रोव या स्टॉक, कैस्टेटेड मेल को क्या बोलते हैं, हॉग, HOG, हॉग या स्टैग बोल सकते हैं, ठीक है। एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या बोलते हैं, कपलिंग, COUPLING, कपलिंग, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन क्या बोलते हैं, फरोइंग,
ठीक है, इसके मीट को क्या बोलते हैं, पॉर्क। ओके फ्रेंड, तो याद रखना है, एडल्ट मेल को बोर बोलते हैं, एडल्ट फीमेल को सो बोलते हैं, ठीक है, यंग मेल को बॉर्लिंग बोलते हैं, यंग फीमेल को गिल्ट बोलते हैं, न्यू बॉर्न को पिगलेट बोलते हैं, ग्रुप जो है को उसको बोलते हैं ड्रॉ या स्टॉक, ठीक है, कैस्टेटेड मेल को हॉग या स्टैग बोलते हैं, एक्ट ऑफ मेटिंग को कपलिंग बोलते हैं, एक्ट ऑफ पॉजुलेशन के बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रीडिंग एज, जो ब्रीडिंग एज होता है गिल्ट, गिल्ट मतलब यंग वन ऑफ फीमेल, उसका जो है 8 मंथ होता है, लेकिन जो है एडल्ट मेल का कितना होता है, 9 मंथ, ठीक है, याद रखिए। ब्रीडिंग एज गिल्ट का कितना, 8 मंथ, बोर का 9 मंथ। स्टस साइकिल जो है 21 डेज का होता है, ठीक है, स्टस साइकिल कितने दिन का, 21 डेज का। गेस्टेशन पीरियड कितना, 114, मतलब 114 दिन का होता है, ठीक है। लीटर साइज कितना होता है, 10 to 14। फरोइंग इंटरवल कितना होता है, 7 to 7.5 मंथ। ब्रीडिंग लाइफ फ्रेंड जो है 8 to 10 ईयर्स, ठीक है, 8 to 10 ईयर्स। अब फरोइंग पेन की जो साइज रहती है, जहाँ पे जो है फरोइंग होता है वहाँ की, उसकी साइज़ जो है याद रखिए फ्रेंड, 3 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 3 स्क्वायर मीटर, और हॉर्स के केस में मैं बाद में बताऊँगा, 4.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। स्ट्रेस पीरियड कितने दिन का होता है, 3 दिन का, 2 से 3 दिन, ठीक है। अगर यंग वन मतलब गिल्ट है, मतलब यंग वन है गिल्ट फीमेल, मतलब यंग वन फीमेल है, तो उसको जो है फर्स्ट डे ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, और अगर वो है सो है तो उसको जो है सेकेंड डे। ओके फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फ्रेंड मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे।